रांची के मोराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में है। कोरोना को देखते हुए इस बार का आयोजन बेहद सीमित लोगों की मौजूदगी में होगा। यहां तक कि परेड रिहर्सल भी कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए हो रहा है। परेड रिहर्सल में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ, झारखंड जगुआर, जैप 1, जैप 2, जैप 10 और रांची पुलिस बल, रांची पुलिस वुमेन, होमगार्ड, आर्मी के जवान हिस्सा ले रहे हैं। 26 जनवरी को यहां पर राज्यपाल रमेश बैस झंडा तोलन करेंगे। मोराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस परेड को लेकर रिहर्सल चल रहा है। इस बार लगभग 13 प्लाटून इसमें शामिल हैं। 3 प्लाटून महिलाओं का है, 2 एक जिला बल है, 1 जैप 2 है और बैंड डिस्प्ले में एक महिला ग्रुप है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो रिहर्सल है, रिहर्सल बेहतर रिहर्सल हो रहा है और ये कहीं ना कहीं 26 जनवरी को ये तमाम जो चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी। एक अनुशासन है, पैरों का कदम ताल जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आकर्षित करता है, क्योंकि कदम ताल है, हाथों का जो मूवमेंट है, ये तमाम चीज़ें जो है एनसीसी, ये गणतंत्र दिवस पैरेड में इन चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। सभी के चेहरे पे मास्क है क्योंकि कोरोना का संक्रमण का दौर चल रहा है। ये आप देख सकते हैं जो प्लाटून हैं वो अपने अपने एरिया में जा रहे हैं और इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे तो जो बैंड डिस्प्ले ग्रुप है इसमें महिला की भी एक प्लाटून है। और ये आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इनका जो अनुशासन है वो हमें अपने जीवन में ढालने का एक संदेश देता है। तो ये ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में रिहर्सल लगातार चल रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन कुणाल के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।